हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गोल्डन रूल्स फॉर नीट एस्पिरेंट। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ 10 गोल्डन रूल डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि नीट की प्रिपरेशन करते वक्त आपको काफी हेल्प करेंगे। ये जो 10 गोल्डन रूल है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आने वाले एक साल में यानी कि नीट 2025 में आप अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट पक्की कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है 10 गोल्डन रूल फॉर नीट एस्पिरेंट। पहला गोल्डन रूल कहता है कि हमेशा कुछ किताबों पर ही विश्वास करिए, उन्हें ही अपना मानिए, उन्हें ही बार बार रिवाइज करिए, फिर देखना एक दिन पूरी दुनिया आपको मानने लग जाएगी। सेकेंड गोल्डन रूल कहता है कि जब आप पढ़ने बैठो ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, मुझे इस समय से इस समय पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। लेकिन सब कुछ भूलकर आपको ऐसे पढ़ना है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे बोलें कि आकर कि बस कर, और कितना पढ़ोगे, अब सो जाओ। इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ने बैठो ना, आपको खुद ये सोचकर नहीं बैठना कि मुझे इतने घंटे बैठना है, जबकि आपके आसपास के लोग आके आपको टाइम बताए कि इतना टाइम हो गया, अब बस कर और अब सो जा। थर्ड गोल्डन रूल कहता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उन्हें कम मत माने। सबसे पहले आपको अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको दूसरी बुक या दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखना है। सबसे पहले बिल्कुल तन मन से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब वो आपसे अच्छे से सॉल्व होने स्टार्ट हो जाए, जब आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे, तभी आप दूसरी बुक की तरफ जाओ और दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखो। फोर्थ गोल्डन रूल कहता है कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपको टॉप करना है तो सब कुछ छोड़ दो। यानी कि इंडिया का कोई भी एग्जाम जिसमें आपको टॉप करना है तो आप सब कुछ छोड़ दो। बस आपको क्या करना है, सुबह से रात तक बस एनसीईआरटी पढ़ो। आप एनसीईआरटी पढ़ के ना इंडिया के कोई भी एग्जाम में टॉप कर सकते हो। फिफ्थ गोल्डन रूल कहता है कि खुद के बनाए हुए हाथों से नोट, जो हम खुद के हाथों से नोट बनाते हैं, वो सबसे बेस्ट और बेमिसाल हैं। जो हम खुद के हाथों से नोट्स बनाते हैं, उन्हें हमें सबसे पहले और बिल्कुल सम्मान देके सबसे पहले हमें उन्हें पढ़ना है। जो मार्केट में कलरफुल बुक होती है, जो हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उनसे कुछ भला नहीं होता। सबसे बेस्ट खुद के बनाए हुए नोट्स है, इसलिए नोट्स खुद से बनाए। गोल्डन रूल सिक्स्थ ये कहता है कि किसी भी चैप्टर को जब हम फिनिश करते हैं, जब हम किसी चैप्टर को फिनिश करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपने उस चैप्टर के परफेक्ट समरी नोट्स बना लिए हैं। बिना समरी नोट्स बनाए पढ़ने का मतलब है समय बर्बाद करना। रूल नंबर 7 कहता है रिवीजन इज मोर देन रीडिंग। यानी कि अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो उस चैप्टर को आपको कंप्लीट करके अलग नहीं रख देना है। उस चैप्टर का आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, नहीं तो आप वो चैप्टर भूल जाओगे। आप वो भूल जाओगे, फिर आप वो एक दो महीने बाद पढ़ोगे तो आपको वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए रिवीजन इज मोर देन रीडिंग, आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इस साल जितने आपके मार्क्स आए ना, अगले साल भी उतने ही आएंगे। इसलिए रिवीजन इज मोर देन रीडिंग। रूल नंबर 8 कहता है कि मेमोराइजेशन इज मोर देन रिवीजन। मेमोराइजेशन रिवीजन की एक निंजा टेक्निक है, इससे जबरदस्त, इससे ताकतवर, इससे बेहतर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गोल्डन रूल 9 कहता है फिजिकल नोट्स इज मोर देन एनी अदर PDF। आपको हमेशा प्रिंटेड नोट को ज्यादा महत्व देना है, इससे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है, जो कि बेहतरीन है आपके लिए। आपको हमेशा प्रिंटेड नोट को महत्व देना है, जबकि PDF नोट्स को इतना महत्व नहीं देना। लास्ट और 10th गोल्डन रूल कहता है प्रैक्टिस इज मोर देन लर्निंग। आप कितना भी और क्यों ना सीख ले, बिना प्रैक्टिस के सब बेकार है। चाहे आप कितना भी पढ़ ले, कितना भी आपको समझ आ जाए, पर अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो सब कुछ बेकार है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस से आप फॉर्म हासिल करते हो, जिससे परफॉर्मेंस आती है। ये थे हमारे 10 गोल्डन रूल फॉर नीट एस्पिरेंट, जिन्हें आप फॉलो करके अपनी नीट 2025 में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।